नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं हूं रविंदर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के एक नए अपडेट के बारे में। दोस्तों यदि आप एक एयरटेल के नए रिटेलर हैं या फिर एयरटेल के पुराने रिटेलर हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, आ गया है एयरटेल मित्र एप्लीकेशन का नया वर्जन 5.47। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि नए वर्जन में नया क्या देखने को मिलने वाला है और नए वर्जन आने के बाद आपको एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों इसके लिए हम लॉगिन करते हैं सबसे पहले अपना एयरटेल मित्र एप्लीकेशन और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से देते हैं। लॉगिन कर लिया है मैंने अपना एयरटेल मित्र एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा वर्जन नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 5.47 आ चुका है मेरे पास। यदि आपके पास एयरटेल मित्र एप्लीकेशन का नया वर्जन नहीं आया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर वहां पर डाल दूंगा, आप वहां से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि 5.47 के अंदर अब आपको नया अपडेट क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले काफी सारे ऐसे रिटेलर थे जिनको दिक्कत आ रही थी कि वो एयरटेल मित्र एप्लीकेशन में जो है परचेज लापू बैलेंस जब करते थे तो काफ़ी सारे लोगों का जो पेमेंट जो है कट जाता था और एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर वो नहीं आ पा रहा था। तो दोस्तों इसको भी यहाँ पर ठीक किया गया है कि किसी का भी पेमेंट ना फंसे। यदि कोई भी बंदा लापू परचेज बैलेंस के माध्यम से बैलेंस ऐड करे तो उसका सीधा पैसा एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे लोग थे जो एयरटेल मित्र एप्लीकेशन को लॉगिन करते समय जो है OTP नहीं आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर उस पर भी काम किया गया है कि जब कब कोई भी नया रिटेलर या पुराना रिटेलर एयरटेल मित्र एप्लीकेशन को लॉगिन करे तो उनके लापू नंबर पर OTP आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं थी जो रिटेलर को देखने को मिल रही थी। तो एयरटेल कंपनी ने उसको ठीक कर एयरटेल मित्र एप्लीकेशन का नया वर्जन लॉन्च किया है 5.47। तो इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको नया वर्जन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने तो इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।